स्वागत है आपका नेटिंग एंड क्रिएशन चैनल पर। आज मैं आपको ये क्रोचेट का आसन बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने ये नॉट बना लिया और इसको इसमें क्रोचेट में डालेंगे। और ये अब हम इसकी लंबी चेन बना लेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना बड़ा आपको आसन बनाना है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। पर ये मिड में आएगा इसलिए ज़्यादा भी लंबी नहीं बनानी है। ये स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का बनेगा, इसलिए आप देख लें कि आपको स्क्वायर शेप का बनाना है या रेक्टेंगल शेप का बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये लंबी करनी है। अगर आपको रेक्टेंगल में बनाना है तो आपको कितना चौड़ा करना है वो भी देख लेना। ये मैंने देखिए इतना रखा है, ये दो और निकाली, उसके बाद ये लेकर यहाँ से ये इस तरह निकाल लिया। अब हम इसी तरह से निकालेंगे इनको, नीचे अंदर से ये हो गया। ये हमने चेन की जितनी भी कड़ियां बनाई हैं इन सब में से एक एक बार निकालेंगे। इस तरह से पहले हम इन्हें निकाल लेंगे पूरे को। ये देखिए, ये मैंने सारे यहाँ से मैंने ये चेन बनाई थी और इसमें ये सारे ले लिए हैं, यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया था, ये सारे हो गए। अब हम इसे छोड़ देंगे यहाँ पे, इसे थोड़ा लूज़ करके छोड़ दीजिए ताकि ये खुले ना। और हम अब इसे यूँ पलट लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे इसी साइड से। देख लीजिए, यहाँ से हमने इधर से लाए होंगे, अपने यहाँ ख़त्म किया, इसे ऐसे घुमाकर यहाँ से। अब हम यहाँ पे ये दूसरा कलर लेंगे, मैंने यहाँ से ले लिया है। ये इसी तरह से अब जितने ये हैं इनके ऊपर अब इधर से निकालेंगे। ये देखिए, इसके ऊपर से अब हम इसी तरह से निकालते जाएंगे, जैसे हमने हर चेन की चेन में से जो चेन बनाई थी, हर कड़ी में से एक एक बार इधर बनाया था, अब उसी तरह से इस कलर का दूसरी साइड में बनाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखें, मैंने ये चेन बनाने के बाद मैंने ये जो चेन के अंदर से ये बनाना शुरू किया था, ये मैंने इधर से शुरू किया था तो इधर जाके रोका, और ये वाइट से मैंने इधर से शुरू किया है, इधर जाके रुकेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ये देखिए, ये हमने इतना कर लिया है दोनों तरफ से। यहाँ से मैंने ये शुरू किया था, यहाँ पर ख़त्म किया था, और ये भी मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ ख़त्म हो गया। अब हमें ये यहाँ से यूँ बनाना शुरू करना है, इसलिए आप एक ही जगह से तीन चार बार निकाल दें। देखिए, ये मैंने निकाल दिया है। फिर आप एक बार चेन ले लें ताकि खींचे ना। अगली बार आप यहां से लें। इसी तरह से जैसे मैंने यहां से ये मैंने पांच बार निकाला है, आप यहां से भी पांच बार निकालें और एक बार ये बीच में थोड़ी लूज चेन ले लें, फिर इसी जगह से आपको पांच बार निकालना है। ये देखिए, मैंने एक ही जगह से इतनी बार निकाली है। और देखिए, आप ऐसे करके देखेंगे
तो आपकी ये थोड़े थोड़े कॉर्नर बनने लगे हैं। आप जिस ऐसे बड़ा जितना जितना बड़ा करते जाएंगे उसी तरह से इसके कॉर्नर बनते जाएंगे। अब इसमें अब आपको हर बार ये एक सिंपल ही निकालना है जैसे पहले निकाले थे। इनके बीच से एक एक बार ही निकालना है। इसी तरह से निकाल लीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ तक बना दिया है। अब इसको भी हम यहाँ से ही लूज छोड़ देंगे और अब ये ब्लू वाला लेंगे। इसको भी हमें ऐसे ही बनाना है जैसे हमने ये किया है, इधर से ऐसे लेकर फिर इसके ऊपर इस तरह से बनाया है और इसको हम इसके ऊपर वाइट के ऊपर से चलाएंगे। इसलिए पहले हम यहाँ पे इसे एक बार चेन के लिए निकालें और फिर यहाँ इसी जगह से इसे निकाल दें। हो गया देखिए इस तरह से बन जाएगा। अब हम इसके ऊपर से यहां से निकाल लेंगे। ये देखिए जैसे मैंने यहां पे इधर और इधर पांच पांच बार निकाला था ऐसे मैंने इधर और इधर निकाला है पांच बार। इसकी भी ऐसे ही शेप आ गई है थोड़ी थोड़ी। अब हम इस तरह से इसमें भी ये एक एक बार निकालते जाएंगे। इसी तरह से इसको पूरे को कवर करेंगे और ये याद रखें जैसे ही कॉर्नर आए यहाँ पर हमें पांच बार ही निकालना है। फिर जो बीच में इधर एक एक बार फिर इधर पांच बार केवल कॉर्नर पे पांच बार निकालना है चाहे वो व्हाइट हो या ब्लू हो। ये देखिए ये कॉर्नर आ गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये इसी तरह से निकालेंगे जैसे मैंने बताया। एक ही जगह से निकालना है। ये एक बार चेन जरूर निकालनी है। ये हुआ। ये देखिए ये इसी तरह से आता जाएगा। मैंने ये कॉर्नर पे इस तरह से बना दिया। अब आप यहाँ पे भी कॉर्नर पे इसी तरह ले लें। बीच में एक चेन के लिए एक बार सिंपल ज़रूर निकालें। फिर आप इसी तरह से यहाँ पे ये बनाते जाएंगे। जैसे मैंने ये ब्लू यहाँ तक था तो मैंने ये वाइट यहीं रोक दिया था, फिर ब्लू को पहले बनाया है। अब जब ये ब्लू यहाँ आ जाएगा तो यहीं रोक देंगे, फिर वाइट को पूरा इसके ऊपर से बनाएंगे। इसी तरह से ये दोनों साथ में चलते रहेंगे और आपका आसन बन जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।